आज वैष्णो मैया की तुम्हें कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। क्यों जाके बसी माँ गुफा बीच हम तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम आज वैष्णो मैया की तुम्हें कथा सुनाते हैं, सुंदर कथा सुनाते हैं। जाके बसी क्यों गुफा बीच हम तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्रीधर सुबह शाम वो जाया करते थे मैया के दर। कन्या पूजन करना था जो व्रत उपवास किए, माँ भी वहीं पर खेल रही नव दुर्गा रूप लिए। श्रीधर उनके आए पास और बोले कन्या माँ, ग्रहण करो ये भोग और कर दो पूर्ण मेरा। फिर नव दुर्गा को संग मिले श्रीधर घर जाते हैं, हाँ श्रीधर घर जाते हैं। क्यों जाके बसी माँ गुफा बीच हम तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ग्रहण फिर भोजन माने व्रत संपूर्ण हुआ। चली गई सब कन्या पीछे, रह गई दुर्गा माँ। कहने लगी कर भक्त भंडारे का आयोजन, आस पास जाकर दिया सबको निमंत्रण। कहने लगे श्रीधर माँ मैं हूँ दीनहीन ब्राह्मण, कैसे कर दूं माँ मैं भंडारे का आयोजन। अब माँ ने क्या श्रीधर से कहा, हम तुम्हें बताते हैं, हाँ हम तुम्हें बताते हैं। क्यों जाके बसी माँ गुफा बीच हम तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो कन्या भक्त तू क्यों घबराता है, सब कुछ पा जाता है वो जो नाम ध्याता है। जैसा मैं कहती हूँ वैसा आज तू जाके कर, बाकी सारी चिंताएं तू छोड़ दे मुझ पर। जो आज्ञा माँ कहकर श्रीधर शीश झुकाते हैं, भंडारे के लिए निमंत्रण देने जाते हैं। अब आगे कौन मिला ये हम तुमको बतलाते हैं, हाँ तुमको बतलाते हैं। क्यों जाके बसी माँ गुफा बीच हम तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कटरा में श्रीधर जी ने सबको और कहा के प्रसाद खाने आना है अब तो।
आगे चले तो मिले राह में बाबा गोरखनाथ। संग में उनके बहुत थे चेले और थे भैरोनाथ। श्रीधर जी ने उनको भी तब किया था आमंत्रित। ये ब्राह्मण कैसे कर भंडारा रह गए चकित। भैरोनाथ क्या आगे करते हैं बतलाते हैं, हाँ हम तुम्हें बताते हैं। क्यों जाके बसी माँ गुफा बीच हम तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जमा हो गए श्रीधर घर सभी। श्रीधर हुए चिंतित क्योंकि कन्या न दिखी कहीं। कन्या आई भोजन के फिर कोठे भर दिए। खिला पवित्र सा भोजन सब संतुष्ट कर दिए। और वहां फिर पहुंच गए भैरो चेलों के साथ। और लगे कहने के चाहिए मुझको मदिरा मास। उस कन्या को भैरव अपने पास बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं। क्यों जाके बसी माँ गुफा बीच हम तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पकड़ा हाथ, हाथ छुड़ा कर भागी माता ले नव दुर्गा साथ। पहुंच गई माँ गुफा बीच भैरव आया पीछे। माँ ने बुलाया हनुमत भैरव को रोको नीचे। हनुमान और भैरव का फिर युद्ध हुआ भारी। ऐसा युद्ध के देख के कांप उठी सृष्टि सारी। अब आगे क्या होता है हम तुमको बतलाते हैं, हाँ तुमको बतलाते हैं। क्यों जाके बसी माँ गुफा बीच हम तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चला फिर हनुमत भैरव का। गुफा बीच से बाहर आई थी तब दुर्गा माँ। माँ ने आकर उसी समय भैरव संघारा था। त्रिशूल से भैरव का तब शीश उतारा था। शीश कटा तब भैरव बोला मैया क्षमा कर दो। अपनी दया का हाथ मेरे शीश पे धर दो। क्या भैरव ने माँ से मांगा हम तुम्हें बताते हैं, हाँ हम तुम्हें बताते हैं। क्यों जाके बसी माँ गुफा बीच हम तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भैरव माँ जीवन सफल हुआ मेरा।
अपने हाथों अंत किया, ये है एहसान तेरा। माँ ने कहा तूने अंत समय मुझको माँ बोला है, जा तेरे लिए मैंने दया का द्वार ये खोला है। जो भी भक्त दर्शन करने मेरे आएगा, मेरे बाद तेरे दर्शन को भी वो जाएगा। यूं मैया के बाद भैरव पूजे जाते हैं, भैरव पूजे जाते हैं। क्यों जाके बसी माँ गुफा बीच, हम तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जहाँ गिरा भैरव का शीश, भैरव मंदिर हुआ। चित्रकूट की गुफा बीच फिर बस गई वैष्णो माँ, यहीं से फिर उद्धार किया माँ ने संसार का। जो भी माँ के द्वारे जाकर शीश झुकाते हैं, मुँह मांगा फल मैया से वो तो पा जाते हैं। भक्त सभी माँ के दर पर जयकारे गाते हैं, हाँ जयकारे गाते हैं। जाके बसी क्यों गुफा बीच, हम तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे मेरी वैष्णो माँ कर दो कल्याण मेरा, हे मेरी वैष्णो माँ कर दो कल्याण मेरा।